आज जिस जगह पे आए हैं ये शालकोट के बड़े कदीमी मज़ारात में से एक है और ये हजरत इमाम अली अल हक के नाम से है और इनका जो सिलसिला नसब है वो सादात ख़ानदान से होते हुए आता है और इनकी जो ट्रैवलिंग है वो बगदाद से होते हुए समरकंद, बुखारा और दीगर उन सेंट्रल एशिया मुल्कों से होते हुए वो यहाँ आते हैं। ये फरोशा तुगलक का ज़माना था जब यहाँ इनके जो मुसलमान एक सैयद थे उनको यहाँ एक हिंदू राजा ने यहाँ शहीद कर दिया था, उनकी हम मज़ार बात पे जाएंगे। तो उनको शहीद करने की वजह ये थी कि जब वो अपना किला तमीर कर रहा था तो वो उसकी पूरी जो बिल्डिंग थी वो गिर जाती थी। तो दो दफ़ा ऐसा हुआ तो उसकी बिल्डिंग ही गिर गई पूरी किले की। तो उसने फिर अपने जो मजहबी लोग थे, जो पंडित थे, ज्योतिषी थे, उनको बुलाया और पूछा कि भाई क्या वजह है कि ये दीवार क्यों गिर जाती है। तो उसने कहा था कि ये ऐसे नहीं ठहरेगी कि जब तक तुम किसी मुसलमान का और किसी सैयद इंसान का, नेक बंदे का, जब तक तुम खून इसकी बुनियाद में नहीं डालोगे। तो वो फिर ढूंढते हुए उन्होंने कहा पता लगाओ कि किसी ऐसे बंदे को ढूंढ के लाओ जो बड़ा नेक और परहेजगार हो और मुसलमान हो। तो वो ढूंढते डांटते जब निकले उसके सिपाही तो वो जाके पीर मुरादी जो थे वो वहाँ वजू कर रहे थे, वो गिरफ्तार करके ले आए और पहले उन्होंने चेक करने के लिए उनकी उंगली को काट के उसका जो ब्लड था वो उसमें डाल दिया। तो वो चंद इंटे या वो जो छोटी बिल्डिंग थी वो वहाँ ठहर गई। तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये हमारा काम देगा। उन्होंने उनको फिर शहीद करके उनका सारा जो ब्लड था वो सारा उस किले की जो दीवार थी उसमें डाला और वो दोबारा तब तमीर हुई तो वो किला स्ट्रॉन्ग हो गया। जब ये खबर उनकी वालदा को पता चली तो वो यहाँ से मूव करके फरोज शाह तुगलक के दरबार दिल्ली में जा पहुँची। वहाँ उन्होंने फरियाद की कि इस तरीके से सियालकोट के अंदर एक हिंदू राजा ने मेरे बेटे को शहीद कर दिया है, तो मैं फरियाद कर रही हूँ और मैं इंसाफ चाहती हूँ। उसने फिर बाकायदा जो उस वक्त के वलीउल्लाह थे जो जिनकी हम मज़ार पे आए हैं ये उन्हीं के दरबार में शाही मेहमान के तौर पे वहाँ ठहरे हुए थे। तो उसकी कोई और मुहिम थी उस वक्त, तो उसने इनको कहा कि आपकी चूँकि लिंक है वहाँ तो आप ऐसा करें कि आप अपने भाइयों के साथ और अपने जो रिश्तेदार हैं आप अपने मुजाहिदों के साथ वहाँ जाएँ और इन खातून के जो बेटे का इंतकाम है वो आप लें। तो ये फिर अपने चार भाइयों के साथ, उनके जो भतीजे थे और बाकी इनके रिश्तेदार थे उनके साथ, ये वहाँ से चलते हैं फौज लेके। और इनके एक भाई जो है वो जलंधर में बीमार होकर इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद फिर ये बाहर ठहरते हैं नारोवाल के करीब। वहाँ पहली झड़प इनकी उस फौज के साथ होती है जो यहाँ का राजा वहाँ भेजता है उस फौज को। तो पहली झड़प में इनके एक भाई वहाँ शहीद हो जाते हैं जिनका मज़ार अभी हम गुजरते हुए देख के आए हैं। इसी तरह उनके बाकी एक भाई जो है वो यहाँ शहीद हो जाता है। तो ये यहाँ आके फिर इस फोर्ट के ऊपर हमला करते हैं और वो जब भी हम फोर्ट पे जाएंगे तो वो फोर्ट अब तबाह हो चुका हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा उसका रह गया। उस फोर्ट पे हमला करने के बाद उस राजा की पूरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके नतीजे में फिर ये उस जंग में ये खुद भी शहीद हो जाते हैं। अभी जब हम अंदर जाएंगे तो नीचे इनकी जो कब्र के आसपास का जितना इलाका है वो सारा कब्रिस्तान ही है। जैसे अगर आपने लाहौर में एक मज़ार है गंजे शहीदा के नाम से तो उसमें भी कहा जाता है कि 2000 कब्रें हैं। वो ऊपर देखने में सिर्फ वो एक कब्र नज़र आती है लेकिन उसके नीचे कहा जाता है 2000 जो हैं वो कब्रें। सेम लाइक जैसे पार्टीशन में जो मुस्लिम्स की जो ट्रेनें कट कट के आती थी तो उनको रावी के करीब एक बड़ा गढ़ा होता था, उसमें वो 500-1000 लाश इकट्ठी डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी। तो इसी तरह ये पूरा इलाका जो था एक टिब्बा था उस ज़माने में, टिब्बा जिसको हम ऊंची जगह बोलते हैं, अभी जो आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं ये उसका सबूत है कि ये जगह काफ़ी ऊँची है शहर से। तो इस टिब्बे पर उनको रिस्पेक्ट के लिए दफन किया जाता है बुज़ुर्ग को ऊँची जगह पर, और जबकि जो उनके मुरीद होते हैं उनकी वो रिस्पेक्ट उनसे कम रखने के लिए उनको नीचे दफनाया जाता। अभी जब हम मेन कब्र पे जाएंगे वो आपको ऊंची नज़र आएगी, बाकी जो अतराव में कब्रें हैं वो सारी नीचे नज़र आएंगी, यानी कि उनके कदमों में दफन होना चाहिए। इसी तरह अगर कराची में आप लोग गए हों बुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे तो उनके भी इसी तरह सेम एक कब्र ऊंची और बाकी सब कब्रें उनके कदमों में बनाई गई हैं। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ है। तो बाकी हम मज़ीद अब ज़ियारत करते हैं उसके बाद दूसरी जगह पर।